पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन को कैसे लिस्ट करना है। उसके लिए हमने 6 की एलिमेंट्स की बात की थी। वो 6 की एलिमेंट्स क्या हैं? आपको वीडियो का मैं लिंक दिया जा रहा हूँ। इस वीडियो को लिंक क्लिक करने के बाद आपको उन 6 की एलिमेंट्स का पता चल जाएगा वो कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन को लिखते वक्त आपको सपोर्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम उन 6 की एलिमेंट्स को यूज करते हुए आपके सामने एक प्रोफेशनल की जॉब को डिस्क्राइब करेंगे। तो व्यूअर्स, नंबर फर्स्ट के ऊपर आपने क्या काम करना है? अपने जॉब का टाइटल, जो कि हमारा पहला की एलिमेंट है। जॉब का टाइटल से क्या मतलब है? आपका टाइटल क्या है? आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका पहला जो हमने जो सैंपल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है वो है कस्टमर सेल रिप्रेजेंटेटिव। कि ये CSR है जो कि सेल के शोबे में जॉब कर रहे हैं, और ये जॉब उनकी स्टार्ट कब हुई है और उनकी एंड कब हुई है, और ये मतलब अप्रैल 2020 से लेके ये सितंबर 2023 तक इनकी जॉब रही है। उसके बाद ये जॉब इन्होंने किस कंपनी में की है? TCS में की है, कोरियर बेस्ड कंपनी है। कहाँ पे की है, किस शहर में की है? उसका नाम लाहौर आ गया। और आगे वो किस प्रोविंस में की है? पंजाब आ गया। तो आपने इसी तरीके से आपने जॉब को जब लिखना है, एक्सपीरियंस सेक्शन को, आपने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपने लिखना है। उसके बाद नंबर 5 के ऊपर हमारे पास आता है कि आपकी वहाँ पर जॉब का रोल क्या था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मैंने आपको बहुत कैटेगोरिकली बताया था कि आपने मैक्सिमम 5 to 6 बुलेट्स के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब करना है। ऐसा ना हो कि आप 50-40 की फॉर्म में एक 2-3 सफ़ों के ऊपर आपने उस करंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब कर दें, पता चले कि ये जो साहब हैं ये सारा कुछ फेक लिखा हुआ है, एग्जैजरेट किया हुआ है, झूठ लिखा हुआ है। और अल्टीमेटली क्या होगा? हेड हंटर आपको फायर कर देगा, आपके CV के ऊपर क्या लिख देगा? नॉट एक्सेप्टर या रिजेक्टर लेके आपको डस्टबिन का पार्ट ना देगा। तो व्यूअर्स, मैक्सिमम 5 या 6 से ज़्यादा आपकी बुलेट्स ना हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ नंबर 1 के ऊपर क्या है, ऑर्गेनाइज कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंट्स डेटा फॉर बिजनेस प्लानिंग एंड कस्टमर सर्विस पर्पसेस। नंबर 2 पे क्या है, क्रिएटेड एक्सेल स्प्रेडशीट टू ट्रैक कस्टमर डेटा एंड परफॉर्म एन इंटेंस रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस। और इस तरीके से व्यूज 2-3-4 जो आपकी और सेल के रिलेटेड जो आपकी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो भी जॉब है उसके अकॉर्डिंगली आपने वहाँ पर मैक्सिमम व्यूज 5 से 6 जो है डिस्क्रिप्शन को, जॉब को डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद है की अचीवमेंट्स, इसको आपने बोलना नहीं व्यूअर्स, क्योंकि आपकी जो करंट जॉब है उसमें आपका रोल क्या है, वहां पर आपकी अचीवमेंट्स क्या है। आपने अचीवमेंट्स को क्वांटिफाइड फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, परसेंटेज की फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, डिजिट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, ताकि हेडहंटर के माइंड में आपके बारे में बड़ी एक इंप्रेसिव पिक्चर डेवलप हो। अब ये जो साहब है जिनका डेजिग्नेशन क्या था, कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, CSR था, अब उनका TCS में जो काम था उसमें वहां पर उनकी की अचीवमेंट्स क्या थी। नंबर 1 पे उनकी थी अचीवमेंट डिजाइन एंड एग्जीक्यूटेड एंड ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर फॉलोइंग अप विद कस्टमर, इंक्रीजिंग कस्टमर रिटेंशन बाय 22%। कि उन्होंने एक वहाँ पर एक सिस्टम डेवलप किया, जब सिस्टम को डेवलप करने से क्या हुआ, वहाँ पर कस्टमर की जो रिटेंशन थी 22% इंक्रीज होगी। अब 22% क्या है, 1% की फॉर्म में आपकी की अचीवमेंट है। नंबर 2 के ऊपर उनकी वहाँ पर क्या अचीवमेंट थी, अवार्डेड मैनेजर ऑफ द ईयर इन 2023 फॉर इंक्रीजिंग टीम प्रोडक्टिविटी बाय 30%। 2023 में उनको क्या मिला जी, टीम आपको बेस्ट एम्प्लॉई का अवार्ड मिला। और किस बेस पे मिला, कि आपने वहाँ पर जो टीम की जो आपके नीचे टीम काम कर रही थी उनकी जो परफॉर्मेंस और उनकी जो प्रोडक्टिविटी आपने उनको 30% इंक्रीज किया। और नंबर 3 के ऊपर जो उनकी की अचीवमेंट आपके सामने डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, लेड ए टीम प्रोजेक्ट दैट इंक्रीज क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बाई 35%। कि आपने एक टीम को और प्रोजेक्ट को लीड किया जिससे क्या हुआ, आपकी जो परफॉर्मेंस थी और जो आपकी सेटिस्फेक्शन थी क्लाइंट की वो 35% इंक्रीज होगी। व्यू, ये वो फॉर्मेट है, ये वो टेम्पलेट है, ये वो स्टाइल है, जब भी आपने अपनी एक्सपीरियंस सेक्शन में जाके अपनी करंट कंपनी के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है, आपने इस फॉर्मेट को यूज़ करना है। उसके बाद आपका 2nd एक्सपीरियंस है, उसके बाद 3rd एक्सपीरियंस है, जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं व्यूज़, आपने इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए, इसी ही फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी सारी एक्सपीरियंस सेक्शन में चीज़ों को डिस्क्राइब करना है।